हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख सकते हैं ये कुकर है और ये मटन है और मटन की सामग्री है आलू। तो आज आलू डब करके मटन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है, कुकर चढ़ा देता हूँ और अब सबसे पहले इसमें मैं तेल डाल दूंगा। तो तेल डालने से पहले मुझे इसमें प्याज वगैरह काट के डालना होगा। तो आइए प्याज इसको छील लेता हूँ और प्याज को छील के फिर काट लेता हूँ। तो आप प्याज के पिछले वाले हिस्से को इस प्रकार से निकाल दीजिए। और अब मटन आज बहुत जल्दी बनाएंगे हम लोग, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और उसके बाद मटन खाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे मटन बना रहा हूँ, यहाँ दिखाओ। ये पानी सौख रहा है सामने से, एकदम जूम कर दो कुकर को। हो गया लाइट, अब जला है। चलो, तो अभी कुकर में कुछ पानी बचा हुआ था तो गैस जैसे ऑन किया हूँ तो वो सूख गया है। तो अब मैं इस प्याज को आराम से पहले छीलूंगा। इस प्रकार से मेरा प्याज छिल गया है तो अब इसको काट भी लेता हूँ। तो काटने से पहले, ये अब कुकर सूख गया है तो इसमें मैं तेल डाल दूँगा। तो आई थिंक इतना तेल काफ़ी होगा क्योंकि ऑलरेडी आज तेल है उसमें, तो इतना तेल काफ़ी है मटन के लिए। क्योंकि आज मैं जो मटन लाया हूँ उसमें चर्बी है तो वो ऑलरेडी तेल वाला हो जाएगा। तो आइए अब सबसे पहले मैं प्याज को काट लेता हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। इस प्रकार से मैं इसको किसका कॉल आ रहा है? मम्मी का। अच्छा, अभी स्किप कर दो। स्किप मतलब कि रहने दो, कुछ नहीं होगा, बाद में बात कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं आराम से प्याज को काट रहा हूं। स्ने स्ने मैसेज वगैरह तो नहीं आ रहा ना कुछ ना? फ्लाइट मोड में कर देने से फायदा था। एक बार तुम आवाज चेक कर लो, फिर फ्लाइट मोड में कर देना। ऑन। अब मैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो प्याज है, प्याज मैं इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि प्याज डालना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, नहीं तो तेल जल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास जो भी कटा हुआ प्याज था उसको मैं डाल देता हूँ। हाँ, उस तरीके से सामने करके रखो। और आज मैं इसका उपयोग करूँगा क्योंकि हमारे पास ये है, इससे मैं पकवान तला था कुछ दिन पहले, तो इसी से आज मैं प्याज भी भून लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो प्याज बचे हुए हैं इसको मैं भून लूँगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी आज कुकिंग करूँगा। आलू धुला हुआ है मेरे भाई ने पहले ही। आलू आप देख सकते हैं कि जो बगल में आलू रखा हुआ है इसको धो के और छील के रख दिया था। और आलू में अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आलू डालना है मुझे को। तो हमारे पास जो प्याज है इसको मैं इसमें डाल के अच्छी प्रकार से भून लूँगा। और प्याज को थोड़ा सा मटन में आप मोटा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पतला ना भी हो तो। इस प्रकार से मैं प्याज को इसमें चूर कर लूँगा। मिर्च लास्ट में डालेंगे नहीं तो वो फौरन जैसा काम करने लगेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मेरा प्याज जो है, वो प्याज धुल जब तक भून रहा है तो उसी में आप इस प्रकार से आलू को डाल दीजिए। आज मैं आलू पहले डाल रहा हूँ, वैसे आलू मैं सबसे पीछे डालता हूँ, तो आलू इसलिए मैं पहले डाल रहा हूँ क्योंकि प्याज मेरा फ्राई हो चुका है और उसके बाद मटन डाल के फिर मटन को धो के मटन भी डाल दूंगा। तो आओ इधर दिखा दो, आप देख सकते हैं हमारे पास इतना मटन है। आज मैंने ज़्यादा मटन लाया है, मेरे को वैसे कम मटन लेना था लेकिन फिर दुकान वाले ने बोला भाई ले लो ज़्यादा मटन, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोला ठीक है भैया दे दो फिर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पीस भी बड़ा बड़ा है। ओ हाँ, ये चर्बी है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मैं तोड़ दूँगा छोटे छोटे टुकड़े में। चर्बी और आलू का सब्जी भी काफ़ी टेस्टी होता है, मैं वो उसे भी बना कर खाता हूँ। तो अब मैं इसे धो लेता हूँ इस मटन को अच्छी प्रकार से। हालांकि मटन बिल्कुल साफ रहता है, इसको थोड़ा सा भी धोएंगे तो काम हो जाता है। तो अब इसको मैं डाल दूंगा इसमें। अब दिखाओ यहाँ, और
तो आप देख सकते हैं ये साफ है, इसको क्या धोना कुछ भी इसमें नहीं है। तो अब इसको मैं फिर इसमें डाल दूंगा और अब इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगा भी, क्योंकि नहीं तो जो प्याज है वो बिल्कुल गल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा बीच बीच में चलाते भी रहिए। जैसे मैंने मटन आलू वगैरह डाल दिया है और इसको अब मैं फ्राई कर लेता हूँ अच्छी प्रकार से। और अब हम लोगों के पास थोड़ा सा मटन रह गया है, इसको भी धो लेता हूँ। और है इसमें पीस, अरे अभी तो बहुत है, वो काटा कैसे था पता नहीं, इतना बड़ा बड़ा छोड़ दिया है। हम लोग का गांव से यहाँ अच्छा मटन मिलता है साफ सुथरा, हम लोग का वहाँ तो ज़्यादा महंगा है, यहाँ तो 700 ही है। देखो अभी और एक है, 700 है वहाँ पे भी। ₹800 पापा बता रहे थे, खाने वाला बहुत है। सबसे सस्ता हिमाचल में मटन मिलता है, हम रोज वहाँ पे जब घूमने गए थे मटन ही खाते थे, लेकिन वही ढंग का नहीं बनाता था खुद से। यहाँ पर ज्यादा खाने का आदमी है, तमाम महंगा हो गया, जहाँ कम खाता वहाँ नहीं ना पूछता। हाँ अब आप देख सकते हैं मैंने उसमें डाल दिया है, तो अब मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगा उसमें। तो आप हरी मिर्च को इस प्रकार से धो दिया था क्या हरी मिर्च? चलो कोई नहीं, क्योंकि अब तो इसका बीज निकल गया, आप कैसे धोएंगे, काट दिए ना, कोई बात नहीं साफ ही रहता है। अब इसको इसमें मैंने मिर्च डाल दिया है, और हमारे पास जो धनिया है इसको मैं लास्ट में डालूंगा, लेकिन इसको मैं पहले धो के रख लेता हूँ। हाँ लहसुन, सही है, याद दिला दिया तुम। नहीं पेस्ट नहीं डालते इसमें, लहसुन डालेंगे तो ये चिकन का स्वाद दे देगा ना। इसमें साबुत डालते हैं, हाँ साबुत लहसुन। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा लहसुन लेकर आया, अभी मैंने बहुत सस्ता लहसुन लाया हुआ है मार्केट से, तो अभी लहसुन जम के खाऊंगा। तो आई थिंक नहीं इतना काफी है, मैंने चार चार आठ दे दिए, आठ काफी है ना। दो रोटी से, दो दो चावल से। तो इस प्रकार से मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये फ्राई भी हो गया है लगभग। और आलू इतना जल्दी सीज जाता है समझ नहीं आता, आलू सीज भी गया बता ना, कट गया था हम इस वजह से, मतलब हाफ बॉइल हो गया आलू। तो अब आप देख सकते हैं इतना काम हो चुका है इसमें। तो अब हमारा अदरक का काम रह गया है, तो अदरक छील के इसमें डाल दूंगा। इसके बाद अदरक डालने के बाद फिर मैं इसमें मसाला वगैरह डाल के और इसको बस 4 से 5 सीटी मार दूंगा, मारने के लिए छोड़ दूंगा, इतने में ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। एक चीज़ है अदरक में, पता नहीं लोग कैसे सब्जी धोता है क्या करता है बेचते समय, एक भी मिट्टी नहीं रहता अदरक में, जबकि अदरक में फार्मिंग के टाइम सबसे ज़्यादा आलू से भी ज़्यादा मिट्टी लटका हुआ रहता है अदरक में, चिपक चिपक जब पेटी में भरता नहीं तो कच्चा है, सूखता भी इतनी झड़ता कैसे, तो इसको उतना वो मेहनत से धोता होगा फिर भी इसमें नहीं रहता है। अब आप देखिए इसमें मैंने अदरक रखा है और इसको ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा कद्दूकस करूंगा, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसका। और इधर मेरा जल रहा है तो इसको भी थोड़ा सा मैं भून लेता हूँ इस प्रकार से। और मैं इसमें हीट अभी कम बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हीट कम करने से इसका फ्लेवर अलग हो जाएगा, तो इस वजह से मैं उसका हीट अभी कम नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने अदरक को काफी छोटे छोटे टुकड़े में चूर कर दिया है, अब हो गया चूर। नमक देंगे, वो सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको याद जरूर दिलाना। अब इसमें मैं पानी डालता हूँ थोड़ा सा, इतना पानी काफ़ी है इस अदरक के लिए। और अब मैं इस अदरक वाले पेस्ट को इसमें डाल दूँगा, और अभी भी इसमें रह गया है अदरक थोड़ा बहुत, तो इसको मैं निकाल के इससे इसमें कर दूंगा। हो गया ना। दिखा आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने अदरक डाल दिया है,
तो अब इसमें जो जाएगा नेक्स्ट वो मसाला वगैरह जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल मसाला है इसका इस्तेमाल करूँगा। तो नॉर्मल मसाले में सबसे पहले नमक, क्योंकि आलू है ज़्यादा तो इसलिए नमक ज़्यादा देना पड़ेगा। आई थिंक इतना नमक काफ़ी है ना, प्योर दे ग्रेवी। ओ हाँ, दो टाइम खाना है ना, तो इतना नमक काफ़ी है। और इतना हल्दी है, डाल देता हूँ। और ये कुटी हुई मसाला है, इतना काफ़ी है। और ये मैं गरम मसाला पहले ही डाल दे रहा हूँ। और ये सब्जी मसाला है, तो इतना मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है इसमें। और आप देख सकते हैं कितना फास्ट कुकिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब इसका कलर बहुत ही सुंदर हो जाएगा थोड़ी ही देर में, क्योंकि अब इसमें लास्ट में सारा मसाला चला गया है, सिर्फ एक मसाला रह गया है, और वो मसाला है हम लोगों का मटन मसाला। तो अब मैं मटन मसाला इसमें डालूंगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मसाला को फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगा। इसमें कम है तो अब आप देख सकते हैं ये पैकेट है, तो इसका मसाला इसमें जाएगा। और मैं जो है कैंची, वो मैंने कैंची शायद वहीं पे रख दिया, इसमें नहीं है ना कैंची। तो इसको चाकू से काटने में थोड़ा रिस्की होता है, हाथ कटने का डर रहता है। वो ऐसे ही कट गया, हो गया। तो इस प्रकार से एक पैकेट पूरा का पूरा एवरेस्ट मसाला इसमें डालूंगा। ये ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि एक पैकेट डालना ज़रूरी भी होता है। इसका वजह है कि आप अगर पूरा मसाला इसमें नहीं डालेंगे तो सब्ज़ी सही नहीं लगेगा। तो अब इस मसाले को डालते ही हमारा जो मटन का फ्लेवर होता है वो बहुत ही सुंदर हो गया, शानदार हो गया। और पता नहीं तेल वगैरह गलने लगा है क्या, लेकिन आई थिंक तेल नहीं गला है। और ये सब्जी जो है, इसका ग्रेवी बहुत मस्त तैयार हुआ है अभी। और अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब इसको मैं धनिया गार्निश करने के बाद पानी इसमें डाल के, ठीक है ना, अब इसमें मैं धनिया गार्निश कर देता हूँ। थोड़ा सा सामने से जूम करो, हाँ। और इस प्रकार से इसमें अब धनिया गार्निश करके, मैं धनिया को मिलाऊंगा नहीं, बस इसमें फ्लेवर आएगा। तो इसमें पानी जब डालूंगा, तो वैसे मिला भी सकते हैं आप, लेकिन आई थिंक ना मिलाने से ज़्यादा सही रहता, क्योंकि धनिया का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। आई थिंक मसाला भून गया, बिल्कुल भून गया ना, जलाएंगे नहीं ना इसको, बस इतना काफ़ी है। और अब मैं एक गिलास फुल पानी लूँगा इसमें, और एक गिलास में से आई थिंक और ज़्यादा ही डालना चाहिए मुझे, क्योंकि हम लोग दो बार खाते हैं सब्जी। तो मैंने जो भी इसमें मसाला वगैरह डाला था, आप देख सकते हैं ये तेल भी छोड़ रहा है, और कितना खूबसूरत सरल कलर आ गया है। और इसकी जो सुगंध है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि एक प्रॉपर मटन का जैसा इसका खुशबू भी आ रहा है मुझे। तो इस प्रकार से अब मैं इसमें जो अदरक थोड़ा वगैरह लगा था उसको, पानी को इसमें डाल के, और ये जो हमारे पास पानी है इसको भी डाल दूंगा इस प्रकार से। तो आई थिंक इतना पानी काफ़ी है, और पानी इसमें नहीं डालूंगा क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी हम लोग नहीं खाते हैं। ग्रेवी खाना तो पड़ता है ज़्यादा, लेकिन इतना ग्रेवी काफ़ी है ना दो टाइम के लिए। ज़्यादा हो गया नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। अब इसको मैं ढक्कन से ढक दूंगा। तो ढक्कन से ढकने से पहले हमारा इसका टेंट्रम्स है हमारे कुकर का, कि इसको चाहिए पानी थोड़ा सा रबड़ में। तो इसको इस प्रकार से लगा दिया हूँ, और अब मैं इसको ढक दूंगा आराम से इस प्रकार से, और ढक के आराम से अब आराम फरमाऊंगा। आग दिख रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको छोड़ दिया है, और ये धीरे धीरे गैस भी बनाना शुरू कर देगा। तो जब ये 4 से 5 सीटी मार देगा, उसके बाद मेरा ये जो मटन है वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वेट कीजिए, सब्र कीजिए थोड़ा सा, और होगा तो मैं जब ये सीटी मारेगा तो थोड़ी सी वीडियो क्लिप ऐड करूंगा।
और फिर खाते समय मैं बताऊंगा कि ये मटन कितना शानदार बना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों यार को भी शेयर कीजिए। फिलहाल वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिए, धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अब मटन जो है ये बनकर रेडी है। तो अब मैं गैस बंद कर देता हूँ और 10 मिनट अभी वेट करना पड़ेगा, जब इसका गैस निकल जाएगा तब हम लोग फिर अभी खाएंगे तो बताएंगे कि ये मटन कैसा बना है। था हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप देख सकते हैं मैंने ये ढक्कन खोला है अभी जस्ट, और आप देखिए ये कितना शानदार मटन बना है, बनाया ना मस्त। देख सकते हैं ये आलू है और ये मटन है, और मटन के साथ ये तेल जो है ये भी है, और काफ़ी थोड़ा सा झोल पतला है लेकिन काफ़ी मस्त बना है। तो हमारे मुंह में ऐसे ही पानी आ रहा है अभी, तो अब हम लोग इसको खा के आपको बताते हैं कि कैसा बना है। तो आइए मैं खाना सबसे पहले शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक डंप किया हुआ आलू और एक मटन का पीस ले लूँगा, और सबसे मेन चीज़ कि आज तेल भी खाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें तेल साइड में ले लिया है, और अब मैं ग्रेवी ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से मिला दूँगा तो इसका जो झोल है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें मैंने लहसुन भी डाला था, तो वो लहसुन भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें मटन का पीस और एक लहसुन भी है। तो अब मैं इसको खाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तेल है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, और ये मटन है ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है, तो अभी गर्म है ना इस वजह से। आप देख सकते हैं इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और ये आलू भी सीज चुका और ये लहसुन भी सीज गया है, और ये मटन जो है ये वाला दिखाना, यहाँ वाला मटन ये सीज गया है, पता नहीं चिपक जाए क्यों ना, यहीं से भी खाते हैं भात के ऊपर रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मटन बिल्कुल मेल्ट हो गया है अच्छी प्रकार से। तो अब दोस्तों मैं खा के बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। गजब बना है, बहुत शानदार टेस्ट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चावल और जो मटन का ग्रेवी है उसको मिलाइए, और अब खाता हूँ। और ये जो तेल है उसको भी खाइए। आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जी भर के खाऊंगा क्योंकि काफी स्वादिष्ट बना है। और अब ये आलू टेस्ट करके बताता हूँ आलू का स्वाद क्या। तो आलू को सिर्फ ऐसे नहीं खाना है, इसमें थोड़ा झोर लगाइए। मटन के साथ आलू का स्वाद लाजवाब होता है और बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। अब मैं ये लहसुन दिखा रहा हूँ आपको ये कैसा है। शानदार बना है दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।